हेलो हेलो। हेलो हनुमान शाह जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आसाम से विजय कमान बोल रहा हूँ सर। हाँ बताएं। वो मेरे को डाइट करते हुए आज तो 2 महीना हो गया। अच्छा ठीक है। 2 महीने में तो आज से 10 दिन पहले तो पूरा मेरा तो जलन पूरा चला गया था। अच्छा 10 दिन पहले जलन चला गया था, अभी कैसा अभी मेरे को इतना भूख लगता है ना, है? हाँ इतना भूख लगता है, मैं तो 2-3 पपीता खा लेता हूँ। पहले अभी क्या दो था, पहले भूख पहले नहीं लगती थी जब अकेले? भूख नहीं लगती थी, अभी अभी भूख पूरा ज्यादा लगता है। भूख वो थोड़ा मिलेट खाने से भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा भूख लगता है। और हाँ एक पपीता खाने से भी वो भूख नहीं चला जाता है। हाँ पहले तो एक आपेल खाने से हो जाता है, आजकल तो 3 आपेल खाना पड़ता है। 3 खाने से भी और खाने के लिए भूख लगता है। देखिए ऐसा है, ये इस बात का सिम्टम है कि आप जो है ठीक होने की दिशा में है, काफी आपकी बॉडी इम्प्रूव हो चुकी है ना, क्योंकि ये जो समस्या है इसमें भूख लगना बंद हो जाता है, गैस एसिड ये सारी चीजें होती है, पेट साफ होने का, भूख लेकिन लग रहा है। वो मेरा वो मेरा मेरा वो एसिडिटी तो आज से 10 दिन तो पहले तो पूरा मैं तो ऐसा सोच रहा था मेरा एसिडिटी गायब हो गया। अच्छा लेकिन काल से ऐसा हुआ, मैंने वो थोड़ा 2 दिन थोड़ा केला खा लिया। केला थोड़ा नहीं है, एकदम 8-10 केला खा लिया एक दिन में, अच्छा एक साथ। हाँ उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन साल से थोड़ा थोड़ा वो जलन हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा खाना खाने से भी मेरा आराम नहीं मिलता है, पूरा ज्यादा खाने के मन करता है, पूरा ऐसा है, भूख लगता देखिए है। भूख से थोड़ा कम खाइए, ठीक है? ज्यादा खाएंगे तो समस्या फिर से बन जाएगी, अच्छा खाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? भूख से ज्यादा नहीं खाना है। अब आपकी भूख खुल रही है, ज्यादा भूख लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि अब आप 8-8 10-10 केले एक साथ खा जाएंगे, है ना? गलत बात है ये, ठीक है? मैं ऐसे सोचता हूँ, इतना भूख लगता है तो मैं तो दिन में तो पहले से पूरा ज्यादा खाता हूँ। वो पपीता तो पूरा हमारा इधर तो पपीता पूरा मिलता है ना। अच्छा दिन में 3-4 बार पपीता खाता हूँ, लेकिन ज्यादा ज्यादा खाता हूँ। एक बार में 3-4 पपीता खाता हूँ, अच्छा मन ही नहीं भरता है मेरे तो। कोई बात नहीं, खाइए, मगर भूख से कम ही खाना, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाएंगे वो नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ हाँ इस बात का हाँ ध्यान दीजिए, जैसे पूरा आपने अभी ये मिले बताया तो कि एक 8-10 केले खा गए, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना। हाँ, केला तो मैं तो ज्यादा खा लिया था एक साथ तो, आज बस ऐसा केला खा लिया है। लेकिन हाँ ये चीज नहीं करना, दिक्कत करेगी, ठीक है? हाँ, इसलिए कार से थोड़ा थोड़ा मेरा एसिडिटी बन रहा है। हाँ हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, एसिडिटी तो हाँ बनेगा ही, जब आप खुमच के पूरा खा लेंगे ज्यादा तो क्या करेगा, वो हाँ बेचारा एसिड जाएगा कहाँ, एसिड इधर उधर हाँ हाँ भागेगा, ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है? हाँ हाँ अच्छे से हाँ पचेगा नहीं तो वो खराब एसिड भी उसी पेट में पड़ा रहेगा, है हाँ ना? लेकिन वो मेरा स्टूल भी वो टॉयलेट भी तो क्लियर ही होता है, वो डाइजेस्ट भी अच्छा से डाइजेस्ट होता है। अच्छा ठीक है। वो पहले पहले जब मेरे को पहले पहले जब खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होता था, आजकल ऐसा ही अच्छा से डाइजेस्ट होता है। अच्छा ठीक है। वो एनिमा एनिमा भी लेना नहीं पड़ा है। वो टॉयलेट तो सुबह हो जाता है, नहीं शाम को हो जाता है, कभी कभी दो दो बार हो जाता है। अच्छा ठीक हाँ, केरला का जूस तो मैं तो डेली लेता हूँ सुबह सुबह। है। अच्छा हाँ, उसी से पेट साफ हो जाता होगा, करेले के जूस से। हाँ, अभी ऐसा है मेरे को इतना भूख लगता है, दो सलाद, 2 कैरेट और 1 टमाटर, एक खीरा, वो लगाने से भी वो मेरे को मन नहीं भरता है। वो थोड़ा और ज्यादा खा लेने से अच्छा होगा कि ऐसा मन में लगता है, पेट में थोड़ा खाली खाली रह गया ऐसा लगता है। अच्छी बात है, एक ये खाने के देखिए ये खाने के हाँ यही ठीक होने की निशानी है, आप समझ रहे हैं? हाँ यही ठीक होने की निशानी है,
कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, आपकी बॉडी बहुत इम्प्रूव कर चुकी है, ठीक है। जो समस्याएं थी वो तकरीबन 80-90% तक आपकी जा चुकी है, ये अपने आप में ये निशानी है जो बता रहे हैं आप। मैं तो आस्था हो गया ऐसा सोच रहा था, लेकिन वो क्या है ना अनमोल जी, वो थोड़ा थोड़ा वो खाना नहीं खाने से थोड़ा एनर्जी लो नहीं मिलता है। एनर्जी लो है तो आप फिर बनाना खाओ, मगर इतना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ तो ये एनर्जी को मेंटेन करेगा। अभी तो बनाना से काम चलाओ, आगे थोड़ा निकालो 7-8 महीने, उसके बाद जो है फिर ऑर्गेनिक पीनट ऐड कर लेना भिगो के, तो वो पूरी जो है ताकत देगा, ठीक है। अभी तो चलाइए, बनाना में भी बहुत ताकत होती है, ठीक है। बनाना आप लीजिए, मगर इतना नहीं, ठीक है, कम क्वांटिटी में। इसलिए फोन किया है सर जी, वो मेरे को अभी अभी 1 घंटा के पहले मैंने खा लिया कुछ चीज। क्या चीज खा ली? उसको कोई पपीता वगैरह आपल वगैरह जो जो चीज हो, हाँ। 1 घंटा पहले 1 घंटा के बाद फिर भूख लग जाता है, उसके बाद कोई खाने से ठीक नहीं होगा। क्या पूछना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा हूँ। नहीं, मैं अभी 1 घंटा पहले खाना खा लिया, खाना मतलब वो फल वगैरह खा लिया, ठीक है, उसका बाद 1 घंटा के बाद फिर भूख लग जाता है, फिर खाने का मन करता है, खाने से वो खराब हो जाएगा? नहीं, खराब तो नहीं हो जाएगा, फिर खा लीजिए, भूख लग रही तो इसमें क्या। अच्छा, फिर खा लीजिए, मिनट 2 बार कर लीजिए। मिनट कितनी बार खा रहे हैं दिन में? मिनट कितनी बार खा रहे हैं? हाँ, मिले देखी टाइम रात को ही खाता। अच्छा, चलिए 2 बार कर दीजिए फिर। अभी 2 बार कर सकता है? हाँ, 2 महीने हो गए आपको। मैं तो अभी 1 बार ही खा रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा भूख लगता है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ऐसा भूख लगता है, खाने के 1 घंटा बाद ही भूख लग जाता है। मैं तो आजकल ज्यादा ज्यादा खाता हूँ। देखिए, ऐसा आपका जो शरीर है वो बहुत हद तक ठीक हो चुका है, इसीलिए ज्यादा भूख लग रहा है। और फल और सलाद में इतनी ज्यादा जो है ताकत को भी नहीं है। फल सलाद जो है ये शरीर की सफाई करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, रोगों से दूर रखता है, ठीक है, इसीलिए जल्दी से भूख लग जाती है। और ये अच्छी बात है, भूख लगना अपने आप में औषधि है। हाँ जी, मैं पहले तो सलाद खाने के लिए मन नहीं करता था, अभी सलाद तो एक टिफिन सलाद देने से भी मेरे को पेट ही नहीं भरता है, ऐसा होता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब ना इंसान समस्याओं में होता है तो भूख नहीं लगता है, और बिना भूख के जब हम खाना खाते हैं, एक तो वो डाइजेस्ट नहीं करता और मन भी नहीं करता, दोनों चीजें। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि भूख लग रही है आपको, ठीक है, भूख तो पूरा लग रही है। ये है कि आप नियंत्रण में खाइए, ज्यादा नहीं। लेकिन वो मैं तो मिले भी थोड़ा ज्यादा ही, 2-7 दिन हो गया ज्यादा ले रहा हूँ मिले, भूख लगता है ना, थोड़ा खाने से पेट नहीं भरता है, इसलिए थोड़ा वो बड़ा के खाया है, लेकिन वो रात को पेट में मेरा वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज देता है। अच्छा, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज देता है पेट में? हाँ। पानी वानी तो नहीं पी लेते हैं ढेर सारा? पानी तो मैं रात को पानी पीता हूँ, लेकिन दिन भर पानी पीने का जरूरत नहीं होता है। अब फल सलाद खा रहे हैं तो उसमें पानी है, और पानी क्या पियेंगे। हाँ, मन ही नहीं लगता है दिन में पानी पीने के लिए, एक बार भी नहीं पीता। वो शाम को ही जो पीता हो, शाम को ही थोड़ा पीता हो पानी, वो दिन में मन नहीं लगता है पानी पीने के लिए। चलो ठीक है फिर, अभी और क्या पूछना चाह रहे हैं? यही है, वो रात में वो पेट में वो आवाज दे रहता है, वो क्या प्रॉब्लम है ऐसा है, वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में पूरा गुर 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 आवाज देता है। अच्छा, कब से है ये? अभी गुड़गुड़ वाला कब से दिक्कत हो रही? वो तो 10-15 दिन हो गया। लेकिन वो ज्यादा हुआ तो 4-5 दिन हो गया, लेकिन मैं तो पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन वो 4-5 दिन हो गया तो थोड़ा सा ज्यादा होता है आवाज। एक बार रिपीट करो अपनी जो है डाइट, पूरी रिपीट कर दो पूरे दिन की। मैं तो सुबह उठ के मैं वो केरला का जूस लेता हूँ, ठीक है,
उसका बाद तू पपीता लेता हो, ठीक है। उसके बाद 12 बजे वो मैं सलाद लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 1-2 बजे में तो आपेल वगैरह लेता हूँ, ठीक है। और 3-4 बजे तक वो फिर मैं पपीता लेता हूँ। ठीक है उसकी गैप में कभी कभी मैं केला भी खाता हूँ, ठीक है। नहीं तो कभी कभी वो सलाद भी 2 बार कर देता हूँ ज्यादा भूख लगने से। अच्छा ठीक है। पपीता तो कभी कभी तो दिन में 3 बार हो जाता है, अच्छा चलिए ठीक है। जब भूख लगता है वो पपीता, नहीं तो आपेल वगैरह वो अनार वगैरह वो खा लेता। लेकिन वो गलती से वो मैं 2 दिन पहले वो मेरे वो क्या बोलता है वो केला ज्यादा खा लीजिए। खट्टा शीश नहीं खट्टा शीश दो खट्टा शीश खा दिया मैंने। क्या चीज वो क्या होता है? वो क्या बोलता है ऑरेंज ऑरेंज अच्छा 2 दिन पहले। ठीक है 2 दिन पहले ऑरेंज खा दिया थे, हाँ। इसलिए मैं डर रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम होगा क्या। नहीं, ऑरेंज देखिए कोई खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। खट्टे फल मैं इसलिए मना हाँ करता हूँ क्योंकि थोड़ा हाँ हाँ इरिटेट करता है, इरिटेट हाँ करता हाँ है। ऐसा नहीं है, है तो बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। खट्टे फल बहुत ही हाँ बेहतरीन है। समस्या हाँ हाँ ये है कि जब व्यक्ति एसिडिटी में होता है ना तो इरिटेशन करता है, हाँ बात इतनी सी है। फायदा तो वो भी देता हाँ है शरीर में, लेकिन इरिटेशन करता है, ठीक है। हाँ लेकिन खाने से कोई दिक्कत नहीं होता हो रहा था, लेकिन वो गुरगुर आवाज दे रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है अंदर में, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए डर रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब दिमाग से पहली बात तो निकालो, ये कुछ भी नहीं है, ठीक हाँ है। लेकिन तो डाइजेस्ट पूरा अच्छा से होता है, पहले जैसा अच्छा होता है वो सब कुछ। वो मैं तो सलाद वगैरह खाता हूँ, सलाद वगैरह भी डाइजेस्ट हो जाता है, पहले पहले तो पूरा सलाद सलाद निकलता था। हाँ वो मिलेट भी डाइजेस्ट नहीं होता था, वो केरला का जूस भी वो जूस तरह निकल जाता था पहले, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। पहले अच्छा चलिए ठीक है। जैसा वो पपीता भी वो जूस की तरह निकल नहीं रहा है, पूरा डाइजेस्ट होके निकलता है। चलिए बहुत अच्छा, आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो गया है आपका 2 महीने में ही। बस ऐसा आप हाँ हाँ सुनिए मेरी बात, जो गुड़गुड़ का कह रहे हैं इसका मैं बता रहा हूँ। एक तो मिलेट 2 बार हाँ कर दो, ठीक है, और दिन में बाकी हम दिन में 1 बार खाओ, 2-3 बजे खा लो, ठीक है। 2-3 बजे से पहले नहीं हाँ खाना, हाँ ठीक है। हाँ 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 और हाँ बस यही है, शाम को आप क्या ले सकते हो, शाम को कुछ भी ले लो जो भी है, पपीता भी ले सकते हो, सलाद भी ले सकते हो शाम को, ठीक है, अगर भूख लगती है तो, शाम को 4-5 बजे। हाँ मेरे को पूरा भूख लगता है दिन में। मैं ऐसा मेरा वो ऐसा होता है तो दिन भर खा के रहे हो क्या, ऐसा सोचता हूँ नहीं नहीं इतना भूख लगता है आजकल। नियंत्रित करो, नियंत्रित ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ बेशक से मन कर रहा उर्दू है, सीज ढंगने से खाने के लिए मन करता है आजकल, ऐसा होता है हाँ क्या कह रहे हो, जूस ही देख लेता हो, पपीता हो आपेल हो जूस ही हो, वो खाने का मन करता है, दिन भर खा रहे हो ऐसा मन करता है, पेट में भी ऐसा भूख लगता है। चलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, नियंत्रित करके रखो, हाँ ऐसे नहीं करना, ठीक हाँ है। हाँ ज्यादा नहीं खाना है, भूख से कम खाओगे चलेगा, ज्यादा खाओगे बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ हाँ वो चलिए मिले दिन में वो खिचड़ी की तरह पकाना पड़ेगा कि वो ऐसा खिचड़ी पकाना पड़ेगा। खिचड़ी खिचड़ी की तरह जैसे अभी खा रहे हो शाम को वैसे ही, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है ओके। ओके ओके। हाँ जी एक बात है, वो हाँ जी क्या स्कॉच वगैरह खा सकता है, चीज, स्कॉच स्कॉच वगैरह खा सकता है, स्ट्रेस क्या होता है, वो सब्जियाँ, क्या होता है ये, वो लौकी, पोपी पोपी पपीता की तरह एक स्कॉच बोलता है हम लोग को, क्या सब्जी है पपीता की तरह होता है लेकिन फल है कोई, लौकिया फ्रूट नहीं है, है। नहीं नहीं सब्जियां है। अच्छा ये इसको वो बोलते हैं क्या, क्या कहते हैं अपना, ये लौकी के साथ, लौकी के जैसा होता है लंबा सा, लौकी का जैसा ही होता है। हाँ लेकिन होता कद्दू है वो, है ना, है ना। हाँ, वो तो बड़ी अच्छी चीज है, बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल खा बिल्कुल, सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कद्दू और लौकी ये सबसे बेहतरीन है, बिल्कुल ले सकते हो। हाँ हाँ ठीक है।
ठीक है सर जी। ओके 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 ओके।